आज से थोड़े समय पहले लाशों पर जो मंडराते थे उन्हें गिद्ध कहा जाता था। वैसे ही गिद्ध को बहुत नीच जीव समझा जाता है, क्योंकि वो लाशों के इंतजार में रहते हैं और कल्पना करते हैं कि कब कोई लाश दिखे और उनसे अपना पेट भरे। लेकिन उनके साथ मजबूरी ये थी कि उन्हें भी अपना पेट पालना रहता था और इसीलिए लाशों पर ही डिपेंड थे। पर अब आसमान में गिद्ध दिखाई नहीं देते। सुना है गिद्धों ने पिछले कुछ सालों में सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि हम सिर्फ लाशों को खाते थे, बदनाम थे, लोग हमें हे दृष्टि से देखते थे, अपने घरों में लगे पेड़ों पर घरों पर नहीं बैठने देते थे। हमने ये सब स्वीकार भी किया, लेकिन जब हमने देखा कि हमारी जगह अब धर्मांतरण करती मिशनरीज ने ले लिया जो जीवित लोगों को ही घटक रहे हैं, तो हम सामूहिक रूप से आत्महत्या कर रहे हैं। विलुप्त होते गिद्धों और प्रकट होते नए गिद्धों की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप, मैं हूँ राजीव चौधरी। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि किसी जीव की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा दूसरे शरीर का चुनाव करती है, या कहो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इस कारण विलुप्त होते गिद्धों की आत्माएं शायद पादरियों के अंदर घुस गई और वो पादरी अब जिंदा लोगों का धर्म संस्कृति नोच रहे हैं, जबकि गिद्धों की तरह इनकी कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन इनकी हरकत देख कर इन्हें गिद्ध कहने से भी शायद गिद्ध भी बुरा मान जाए, क्योंकि देखा जाए तो आजकल ये लोग गाँव गाँव, गली गली, घर घर मंडरा रहे हैं। थोड़े दिन पहले जहाँ लोग इन्हें धार्मिक व्यक्ति समझते थे, उन्हें भी अब समझ आ गया कि धार्मिक व्यक्ति की बजाय इस चोले में मजहबी गिद्ध है। इस कारण लोग इन्हें देखते ही भगा रहे हैं, या ये कहो कि इन गिद्धों से अपना मत, धर्म, संस्कृति बचा रहे हैं। आप भी देख लीजिए, ये पंजाब का वीडियो है जिसमें एक सिख भाई इन मिशनरीज गिद्धों को पहले आगाह करता है और फिर अपने गाँव के बाहर तक का रास्ता दिखा कर आता है। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम गुरमेल सिंह है, मैं धनूर पिंड तो बोलदा वा। ये ईसा मूसी वाले सारे पिंड दे विच साढ़े पिछ धनूर च अपना प्रचार कर रहे ने, वर्के बन रहे ने। देखो इन्होंने उधर भी कहा, देखो ये घर जाके कि गलत कर रहे ने। फिर इन्होंने आखना है पिंड वाले ने बन के रख लिया, तुसी ये प्रचार ना करो भाई। साढ़े जेडे लोग गुरुद्वारे ना जुड़े, उन्होंने जुड़े रहन दो, ठीक है कि नहीं। हाँ, तुम मेरे पिंड तो बाहर चल जाओ, फिर ना आखियो जे मैं हुणे पुलिस सद के ते मैं हुणे फड़ावांगा तैनूं। तुसी किसे सरपंच तो किसे मैंबर नूं पुछिया? असीं पिंड च भाई एंट्री करन लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि किस में क्या बुराई है, वो तो बस ईसाइयत का प्रचार कर रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जिसको स्वीकार करना है कर लो, जिसको नहीं करना है मत करो। ये सोचकर इनके प्रति अगर भावनाएं कुलाचे मारने लगे तो ये भी ज़रूर सुने। ये बता रही है कि जैसे ही एक गिद्ध एक जीवित व्यक्ति का धर्म नोचकर चर्च में ले जाएगा, उसे 10% हिस्सेदारी मिलेगी। जो दशमांश है वो मेरा ही है। लेव व्यवस्था 30 अध्याय में लिखा है कि दशमांश मेरा ही है, उसे यहोवा के भवन में लेकर जाओ। यानी ये इस तरह है कि जैसे पहले एमवे जैसी कई कंपनी भारत में आई जो ग्राहकों की एक चैन बनाती थी कि अगर आप एक ग्राहक लाएंगे तो इतने % लाभ आपको मिलेगा, जब वो दूसरा जोड़ेगा तो इतने % आपको मिलेगा, ये ठीक उसी तरह है। इसमें लोग चर्च में लाने पड़ते हैं जिसके बदले 10% हिस्सा मिलने की बात हो रही है। यानी अंतर इतना है, उसमें प्रोडक्ट बेचने थे और इसमें जीवित इंसान या कोई ईसाइयत। इस कारण इस धंधे में अब ये गिद्ध हर जगह सक्रिय हो रहे हैं। राजधानी का ये वीडियो देखिए, राजधानी दिल्ली में बताया जा रहा है कि यहाँ एक कॉलोनी में बैठकर ये लोग धंधा चला रहे थे। आसपास के जागरूक लोगों ने शोर मचाया इन गिद्धों को देखकर, पुलिस आई और गिद्धों के इस गैंग का पर्दाफाश हुआ। बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, जेल में बंद करो। पैसे भी नहीं दिए इनको सर, यहाँ पे कम से कम 25-30 लोग इनके खिलाफ दवाई दे रहे हैं। आप एक्शन आपको लेना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा सर। यहाँ पर 25-30 लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, यहाँ पे धर्म परिवर्तन का कैंप चल रहा है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो हम धरने पे बैठेंगे यहाँ पे। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के कई हिस्सों में भी इन गिद्धों के खिलाफ आक्रोश पनप रहा है। इनकी चंगाई के नाटक के खिलाफ लोग जागरूक हो रहे हैं, जगह जगह लोग इनसे अब सवाल करने लगे हैं। कौन होते हैं? सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, क्या समझा रहे हैं प्रभु यीशु के बारे में? प्रभु यीशु के बारे में ये बना हुआ है, क्या बोलते हैं, चर्च बना हुआ है। चर्च में बुलवाइए, माइक से वो कीजिए कि सभी लोग चर्च में आइए,
भगवान इनको ठीक कर देगा। और आप सभी लोगों को झूठ बोलते हो, बुखार का बोलते हो कि ये प्रभु यीशु का फूका हुआ पानी पिला दो, क्रोसिन मिला देते हो, बच्चे का 10 मिनट के लिए बुखार उतर जाता है। आप उनको गलत हो कर रहे हैं। नहीं, विरोध नहीं करते हो आप, जो है बहुत घूमने में कीड़े हो आप। मसलन अगर आपको बुखार है तो आप 2 रुपए की पैरासीटामोल लेकर भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप धार्मिक है और आपके मन में आस्था है और आप ये सोचे कि भगवान ही ठीक करेगा तो इनके चंगुल में फंस गए हो, तो बुखार की प्रार्थना के 500 देने पड़ेंगे। अंतर इतना है, ये गिद्ध आपको पानी में घोलकर पैरासीटामोल दे देंगे, कहेंगे ये पी लीजिए, ये जीसस की प्रार्थना का पानी है। यानी 2 रुपए की पैरासीटामोल के 500 रुपए ले रहे हैं, बाकी के 498 रुपए इनके नाटक, इनकी नौटंकी, इनकी चंगाई, इनकी प्रार्थना के मान लीजिए। अब कोई 2 रुपए की पानी में घुली पैरासीटामोल लेकर और उस प्रार्थना नामक पानी पीकर ठीक हो गया तो उसे बताते हैं कि जीसस का चमत्कार है, और वो ईसाई बन गया तो फिर उसे हिंदू धर्म से नफरत सिखाते हैं, उनके त्योहारों का बायकॉट सिखाते हैं, हिंदू देवी देवताओं से नफरत सिखाते हैं। यानी जहाँ देश के सेक्युलर लोग गुड फ्राइडे और क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन इन्हें अकल आ जाएगी कि ये गिद्ध क्या सिखा रहे हैं। मसीह के सामर्थ्य नाम में सबको जय मसीह की। आपको पता है दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, और मेरे घर में बहुत चहल पहल है इन सब त्योहारों को लेकर। और मैं क्या करूं, मैं चिंता में पड़ी हूं। ऐसी बहुत सारी महिलाओं का कहना है, भाइयों का भी कहना है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने घर वालों के साथ बहस नहीं करनी है, बल्कि उनको प्रभु का वचन देना है कि वचन क्या कहता है। मरकुस उसकी 7 में लिखा है, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। बस इतना वचन कहना है आपने, और उनके साथ बहस नहीं करनी। माने तो ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है, पर आपने उनके सभी जो पूजा पाठ है उनमें शामिल नहीं होना। ये आपने उनके सभी जो पूजा पाठ है उनमें शामिल नहीं होना। आपने सुना होगा कि अक्सर भोले भाले सीधे साधे लोग के बीच ये गिद्ध जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि अगर कोई बीमारी है तो आप एक प्रार्थना करा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब आपको लगता हो कि ये प्रार्थना कोई फ्री की प्रार्थना नहीं है, इसकी कीमत अदा करनी होती है। इसके लिए कोई एक गिद्ध 1,000 मांगता है तो कोई गिद्ध 5,000, यहाँ तक कि 25,000 वाले भी गिद्ध है और 1,00,000 वाले भी गिद्ध। अगर इससे ऊपर चाहो तो उसका भी जुगाड़ है, यानी जितना बड़ा ड्रामेबाज गिद्ध उतनी बड़ी उसकी कीमत की प्रार्थना। अपना नाम तो बता सकता हूँ सर? जी जी बिल्कुल। मेरा नाम सर धीरेन्द्र यादव है। मुंबई से चंडीगढ़ गया था इसी साल फरवरी में, चर्च में किसी ने बताया हमें, फिर वहाँ के अथाले हैंड प्रे का वहाँ जो है मुझे 25,000 रुपया बोला देना पड़ेगा। उससे आप जो है सो ले हैंड प्रे, स्पेशल ले हैंड प्रे करवाएंगे तो उसे ठीक हो जाता है। तो उधर जो है सो सर मुझे 25,000 रुपया उधर देना पड़ा, फिर ले हैंड प्रे हुआ, लेकिन आज पेशाब का नली मेरा 3 साल से। ओके, आपने ये नहीं बताया कि आपको तकलीफ क्या थी, वो बताकर फिर बताइए। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें गिद्ध क्यों कहा गया, ये तो बहुत बुरी बात है, गिद्ध कहना बेकार बात है। तो ये खबर सुन लीजिए, गिद्ध कहने का कारण सिर्फ इतना है कि जो लाशों को भी ना छोड़े, लाशों से भी अपने पेट भर ले, उनसे भी अपना रोजगार चलाए, तो उन्हें क्या कहे, गिद्ध या पादरी? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें।